हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अब हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज धूप निकल गई है। कल तो बहुत ज़्यादा ठंड थी इसलिए मैंने कोई वीडियो भी शूट नहीं किया। बहुत ज़्यादा ठंड थी कल, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी। तो आज धूप निकल गई है तो आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स लेके चलते हैं अपनी लड्डू गोपाल जी को नहलाने। आइए नहलाते हैं। अरे भगवान, स्नान कर लो। भगवान कर लिया है स्नान। भगवान को पहनाते हैं ये वाली ड्रेस। ये देखिए, और इसमें है ना कैप भी है तो उसे लगा देंगे। तो अभी मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि चंदन वगैरह लगाऊंगी ना भगवान के इस वजह से। और हमारे लड्डू गोपाल जी ने ड्रेस पहन ली है, ये देखो। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। तो आ जाइए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले थोड़ा सा मैंने बाबू की गदोली और इसके कपड़े थे ना कल धोए थे, वो सूखे नहीं थे तो मैंने यहाँ डाल दिए। मैं बता रही थी आपको बारिश हुई थी कल, कल की मौसम बहुत ज़्यादा। और यहाँ देखिए, मैंने बिल्कुल ये एरिया था ना जो यहाँ पे काफ़ी सारी कुर्सी वगैरह ये पड़ी हुई थे तो ये मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है। बस यहाँ पे पत्थर तो हैं, ये रखे जाएंगे डस्टबिन। और ये देखिए यहाँ पर भी ये भी क्लीन हो गया है। ये तो वो चूल्हा है हमारा, जो चूल्हा था ना वो है। और ये अभी नए स्लीपर मंगाए थे तो उसके डिब्बे हैं। वैसे अच्छा लग रहा है, देखिए बिल्कुल क्लीन क्लीन सा हो गया ना, अच्छा लग रहा है। अब काफ़ी दिन से सोच रही थी तो यहाँ पे डस्ट हो गई है तो थोड़ा सा यहाँ से इसे ठीक करेंगे क्योंकि अभी धूप निकल गई है देखिए आज। तो बेबी को यहाँ सुलाऊँगी तो पहले यहाँ से थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं। आज फ्रेंड्स मुझसे गलती हो गई है तो वो ये है कि मैंने आप सभी को जो है शुरू में रिपब्लिक डे और बसंत पंचमी विश नहीं किया है तो सॉरी। आप सभी को रिपब्लिक डे की और बसंत पंचमी की ढेर सारी हार्दिक अनंत शुभकामनाएं। तो आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं बसंत पंचमी और वो बताइए। वैसे हमारे यहाँ तो ऐसे बसंत पंचमी को कुछ ऐसा होता नहीं है। स्कूल की याद आ जाती है मुझे तो, जब स्कूल में पढ़ते थे तो कितना अच्छा लगता था, सब येलो ड्रेस पहन के जाते थे और सब कुछ। तो आज इसीलिए मैंने भी ये येलो कलर की साड़ी पहनी है। वैसे बहुत ज़्यादा वैसा येलो नहीं है, ये क्रैप में है। तो चलिए मैं काम कर लेती हूँ अपना और जो है और कुछ शूट करूँगी तो वो कल के ब्लॉग में आपको दिखाऊँगी। पर अभी देखते हैं होता है या नहीं हो पाता है शूट, क्योंकि बेबी की वजह से नहीं हो पाता है। तो शौर्य स्कूल गया है क्योंकि आज उसके स्कूल में दोनों सेलिब्रेशन एक साथ होंगे तो शौर्य स्कूल गया है। यहाँ मैं अपना काम कर रही हूँ, बेबी अभी सो रहा है तो जल्दी से काम हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने जो है सारा साफ़ कर लिया है और ये स्लीपर का डब्बा था ये मैंने खोल लिया है और इसके जो ये सारे किनारे हैं ना इनको मैं निकाल दूँगी। और इसे आप बताइए मैं क्या काम में लूँगी, तो मैं लूँगी इसे कचरा भरने के काम में। तो बहुत ही अच्छे से इससे कचरा भरवाई आएगा क्योंकि देसी जुगाड़ है ये सब हमारे और गांवों में हम लोग ऐसे ही करते हैं। वैसे मेरे पास कचरा भरने का है पर वो अंदर है, पर अंदर से कौन लेके आएगा तो यहीं पे इसी से भर लूँगी। और मैं देखिएगा बिल्कुल पूरा कचरा, बिल्कुल बारीक बारीक रेत होगी ना वो भी इससे देखिए बिल्कुल ऐसे पूरी भरने में आ जाती है। तो इस तरह से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए वैसे ये कुछ यूज़ नहीं आता तो ये डस्टबिन मैंने यहीं पर रखा है, वैसे इसका ढक्कन टूटा हुआ है तो इसी में मैं जो है डायपर वगैरह भी डाल देती हूँ बेबी के। तो यहाँ मेरा ये काम हो चुका है तो हाथ धो लेती हूँ मैं, अपने हाथ गंदे हो गए हैं मेरे। तो पहले यहीं पे नल है तो मैं पहले हाथ धो लेती हूँ और फिर जो है चारपाई बिछा दूँगी क्योंकि धूप आ गई है ना अब, तो यहाँ पर चारपाई को बिछा दूँगी। और फिर जो है अगर बेबी को यहाँ सुलाना होगा तो सुला दूँगी या फिर मुझे खुद को यहाँ बैठना होगा तो बैठ जाती हूँ। तो चलिए चलते हैं अंदर। कपड़े डाल दिए हैं तो ड्रायर बंद हो चुका है, आयु जग चुका है, देखिए इसकी आवाज़ आ रही है आपको। ये जग चुके हैं भाई साहब और ये देखिए भाई साहब के आप पैरों को देखिए, देखिए एक पैर का शॉक्स निकाल के फेंक दिया है कहीं और ये देखिए कैसे रो रहे हैं। हाय गुड मॉर्निंग बोलो छक्को, छक्को गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग किच्ची ले लो, किच्ची ले लो गुड मॉर्निंग, छक्को बोलो गुड मॉर्निंग।
हाँ भाई आप सब उठ गए क्या? आजकल मैं लेट उठता हूँ थोड़ा। अच्छा और अब इसको भूख लग गया, और देखो ग्लव्स निकालने की भी सोचा, देखो ग्लव्स आधा निकाल चुका है। और शौर्य ने स्टडी की दोनों आंखें नाके सब निकाल दिया, पूरा ऑपरेशन हो चुका है इसका, पर अब वापस लगा ही नहीं गई है। डॉक्टर साहब की पढ़ाई हुई आधी है। और ये भैया जी हमारे बच्चा, क्यों 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 ओला वाला बाबू, देखिए कितना शैतान होता जा रहा है ये बच्चा। हाँ हाँ क्या हुआ, दूध पीना है? हाँ, इसको लग रही है भूख बहुत जोर से, क्योंकि मेरे को काफी देर हो गई है जगे हुए। और ये देखो 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 छपको किच्ची तो कर दो, ऐसे कर लो। तो चलिए फ्रेंड्स इसको मैं कराती हूँ फीडिंग। देखो बहुत जोर से रो रहा है, अब नहीं रहेगा, फीडिंग करेगा, पहले फीडिंग करा देती हूँ इसको, फिर मिलती हूँ। फ्रेंड्स कपड़े ड्रायर हो चुके हैं और यहाँ आयुष खेल रहा है अपनी प्ले जिम पे। ये देखिए इसने म्यूजिक चला दिया, इसने देखिए पैरों से और ये खेल रहा है। तब तक मैं कपड़ों को डाल देती हूँ बाहर धूप में सूखने के लिए। चलिए तो यहाँ पे इनको डाल दूँगी, वैसे जो है हल्के हल्के गीले हैं, हल्की हल्की सी नमी रह गई है इन कपड़ों में, हल्की हल्की नमी रह रही है। बेबी की छोटी सी बनियान और ये मेरा ट्रावल। सब्जी वाले भैया की आवाज़ आ रही है, और कोई शायद मसाले कूट रहा है, खिचड़ी कूट रहा है। तो सारे कपड़े सूख खा दिए हैं, अब चलते हैं अंदर, भूख लग रही है बहुत जोर से, तो कुछ खाने के लिए बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने अपने लिए पराठा बना लिया है, और मैं लूँगी अचार। ये देखिए मिर्च का अचार है, ये मेरी मम्मी ने बनाया था पिछले साल का अचार है। तो मैं थोड़ा सा जो है अचार निकाल लूँगी। तो ये देखिए मिर्च मैंने निकाल लिया, और इसको डालते हैं थाली में। ये देखिए हमारी थाली, बाद में रख देंगे इसको। और हमारी थाली ये भी पराठा बनाया है, और अचार, एक पराठा और अचार है। तो चलिए खाते हैं, आ जाइए आप सब भी। मम्मी ने दो तरीके का अचार बना के दिया था मुझे, एक तो राई का होता है ना मिर्ची वाला, वो एक अमचूर वाला। तो ये जो है अमचूर वाला है, पिछले साल मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो बेबी की वजह से मुझे मना कर दिया था ज़्यादा ऑयली वगैरह ऐसा खाना खाने के लिए, तो इस वजह से मैंने नहीं खाया था। तो ये रखा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। फ्रेंड्स पराठा मैंने खा लिया है, और थाली को रख के आ गई हूँ सिंक में, पानी मैंने पी लिया है, और आइस की रोलिंग है बस आपको आ रही होगी, अब वो नहीं रहेगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ, आशा करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और हाँ अभी तक आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, मेरी इंस्टा आईडी है आपकी प्यारी प्रियंका, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, जाके जाके जल्दी 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 प्लीज़ इंस्टा पर फॉलो कीजिए। लव यू ऑल, बाय।